बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड पाकिस्तान। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पीपीएससी का जो पीएमएस का एग्ज़ाम 2006 में हुआ था उसमें उर्दू के पेपर का थोड़ा सा पोर्शन हल करेंगे, यानी हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। अंग्रेज़ी में हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसकी हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन से पहले वोकैबलरी की थी, उसमें हमने वर्ड्स मीनिंग्स किए थे ताकि हम ट्रांसलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकें और हमें आसानी रहे करने में। इसीलिए हम पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ में जो मुश्किल लफ्ज़ आए हुए हैं उनके पहले मानी पढ़ेंगे, मानी याद करेंगे। सबसे पहला वर्ड है क्रिश्चियन, ईसाई। कल्चर, सकाफत। सिख, सिख। यानी डियर स्टूडेंट, सिख को उर्दू में भी सिख ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी। इसी तरह से पारसी, इंग्लिश में भी पारसी है और उर्दू में भी पारसी है। डेफिनेटली, यकीनी तौर पर। एंशियंट, पुराना या कदीम। वेल एस्टेब्लिश्ड, मुकम्मल तौर पर आबाद। इनवेजिंग, हमला आवर। क्लैश्ड, तसादम हुआ यानी लड़ाई झगड़ा हुआ। बैकग्राउंड, पसे मंजर। कलर्स एंड कंट्रोवर्स, ताने बाने। एडहेरेंस, पैरोकार। एवॉल्व, तैयार। कॉमन सोसाइटी, एक मुआशरा। गल्फ, खलीज। डीप, गहरी। वाइट, चौड़ा या चौड़ी। क्रास्ट, पार किया। साइड बाय साइड, शाना बशाना। एटमेंट, अटल। एक्सीजेंट, ज़रूरतमंद। इनएक्सरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। मेट, मिले। फील्ड ऑफ बैटल, जंग का मैदान। फील्ड मैदान और बैटल जंग। सेपरेटिज्म, अलहदगी। डिवाइडेड, तकसीम कर दिया। लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना। हारमनी, हम आहगी। मे फ्लोरिश, परवान चढ़ सके। डिवेलिंग प्लेस, रहाइश गाह। इंटरप्रेटिंग, तशरीह। जेनेसिस, इब्तदा। अभी डियर स्टूडेंट्स, हमने वोकैबलरी अपनी जो है वो इम्प्रूव कर ली है, वर्ड मीनिंग्स पढ़ ली हैं, अब हमें ट्रांसलेशन करनी आसान रहेगी। इन इंडिया देयर वाज नो क्रिश्चियन कल्चर और सिख कल्चर और फारसी कल्चर। हिंदुस्तान में ईसाई सकाफत, सिख सकाफत या पारसी सकाफत ना थी। बट देयर वाज डेफिनेटली अ हिंदू कल्चर, एंशियंट एंड वेल एस्टेब्लिश्ड। बल्कि यकीनी तौर पर कदीम हिंदू सकाफत थी और मुकम्मल तौर पर आबाद भी थी। विद विच द इन्वेटिंग मुस्लिम्स हैड क्लैश्ड। इससे हमला आवर मुसलमानों का तसादम हुआ। एज द बैकग्राउंड कलर्स एंड कंट्रोवर्स ऑफ द टू कल्चर्स वर सो डिफरेंट, their adherents never evolved a common society. पसे मंजर के तौर पर दोनों तहजीबों के ताने बाने बहुत मुख्तलिफ थे, ऐसे में इनके पैरोकार एक मुआशरा बनाने में नाकाम हो गए। यानी डियर स्टूडेंट, जब उनमें दोनों सोसाइटीज़ में चीज़ें ही सारी डिफरेंट थी, इनका मज़हब अलग था, रहने सहने के तरीके अलग थे, बोलियाँ अलग थी, ज़ुबानें अलग थी, तो इन सारी जो चीज़ें थी, जो मुख्तलिफ चीज़ें थी, उन्होंने इन दोनों सोसाइटीज़ को एक मुआशरा बनाने में नाकाम कर दिया। द गल्फ वाज टू डीप टू बी ब्रिज्ड एंड टू वाइड टू बी क्रॉस्ड।
खलीज इतनी गहरी और इतनी वसी थी कि ख़त्म की जा सकती थी ना पार की जा सकती थी। यानी दोनों तहजीबों के दरमियान इतना जो फासला आ चुका था वो इतना ज़्यादा था, वो खलीज इतनी गहरी थी और के ना ही तो वो ख़त्म की जा सकती थी और ना ही उसको पार किया जा सकता था। The two cultures stood side by side, adamant, exigent and inexorable. दोनों सकाफतें तहजीबें शाना बशाना खड़ी थीं, अटल मुस्तईद और नाकाबले तस्खीर। They met only in the field of battle. उनकी मुलाकात सिर्फ मैदाने जंग में हुई थी। यानी दोनों तहजीबों की जब कभी भी मुलाकात हुई तो जंग के मैदान में ही हुई। इन द इवेंट कल्चरल सेपरेटिज्म डिवाइडेड द कंट्री सो दैट ईच ऑफ द टू कल्चर्स विच कुड नॉट लिव टुगेदर इन हार्मनी मे फ्लरिश इन इट्स ओन ड्वेलिंग प्लेस। इस वाक़े में सकाफ़ती अलहदगी ने मुल्क को तकसीम कर दिया ताकि दोनों सकाफ़तों में से हर एक जो एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ नहीं रह सकते अपनी अपनी रहाइश गाह में परवान चढ़ सकें। दिस इज़ वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द जेनेसिस ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। ये मुस्लिम कौम परस्ती की इब्तदा की तशरीह का एक तरीका है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी तरह से इस पैराग्राफ की समझ आ चुकी होगी और वर्ड मीनिंग के थ्रू इसकी ट्रांसलेशन करने में आसानी रही होगी। और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो चुकी है वर्ड मीनिंग में या पैराग्राफ के ट्रांसलेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। Thank you for watching Educated Pakistan. Please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.